बहुत ज्यादा नहीं, आपका 2 मिनट का समय लगेगा, 3/4 डे के बारे में कुछ बताएंगे आपको। हाँ, फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करेंगे, आदरणीय टीचर महोदय ये सब नहीं होगा, केवल आपको छोटी सी बात बताएंगे, टीचर डे का महत्व क्या है। जब मैं बचपन में पढ़ता था तो एक वहाँ पे दोहा था हमारे कक्षा 3 के किताब में था, किताब गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपको गोविंद ही बताए। जब मैं पढ़ता था कक्षा 3 में था, इतना दिमाग भी डेवलप नहीं हुआ था, तो गुरु गोविंद हमारे साथ एक गोविंद करके मेरा दोस्त पढ़ता था और गुरु का मतलब पंडित जी, मैं समझता था पंडित जी गुरु बोला जाता ना पंडित जी को, तो मैं दोनों में सामंजस्य बैठा है कौन सा गुरु है कौन सा पंडित है। तो हमारे टीचर थे उनसे मैं पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो गुरु का मतलब होता है शिक्षा और गोविंद का मतलब होता है हनुमान। बता रहे हैं कि गुरु और गोविंद अगर दोनों खड़े हैं तो इनमें कौन से मतलब किनका जो ओहदा सबसे ऊपर है, तो हमारे गुरु जी ने बताया चूंकि भगवान तो भगवान है लेकिन भगवान को भगवान बताने वाला है, भगवान आ जाएंगे हमारे सामने हम कैसे जानेंगे भगवान है, जब तक कोई हमको बताएगा नहीं कि भगवान है। तो बोले कि भगवान को भगवान बताने वाला गुरु जो होता है वो गुरु से भी भगवान से भी महान होता है। ठीक है, गुरु का हमारे जीवन में इतना बड़ा महत्व होता है, आप आदिकाल से देखें, भगवान काल से देखें, राम के काल से देखें, वहां से आप देखते चले आइए, राम के गुरु वशिष्ठ थे, उसके बाद जो है कृष्ण भगवान के गुरु जो है सांदीपनि मुनि थे, सांदीपनि मुनि के कारण जो है भगवान ने जो यहाँ पर कभी नहीं हुआ था, इस धरती पे कभी नहीं हुआ था वो करने को तैयार थे। सांदीपनि मुनि का जो है लड़का था उसको एक राक्षस ले जाकर जो है समुन्द्र में डुबो दिया था, वो छोड़ नहीं रहा था, मतलब तुम भी तो सैया पर सुझा दिया था, लेकिन गुरु की आज्ञा पाकर भगवान जो है जाते हैं और उनको जो है जीवित लाते हैं। आगे देखते हैं, आगे आपको रामायण आपने देखा होगा पढ़ा होगा, उसमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल हनुमान जी को आपने सुना है, हनुमान जी को हनुमान जी अंगद मतलब पूरी सेना जो है जब जाके जो है समंदर के किनारे जब बैठी, पूरी सेना जब जाके बैठी समंदर के किनारे, बोला समंदर लागे का कौन, और समंदर से जहाँ पे वो बैठे थे वहां से लंका की दूरी 100 योजन थी। ठीक है, तो सभी ने पूछा, उसमें जो है जामंत जी जो है अगुआ हो गए, बोले कि हम बैठे हैं आप बताओ कौन लागेगा इसको समंदर को, 100 योजन कौन जाएगा, कोई बंदर बोला 10 फीट जा सकता हूँ, कोई बोला 10 मीटर जा सकता हूँ, कोई बोला 50 मीटर जा सकता, अंगद बोले मैं 99 मीटर जा सकता हूँ।